जिंदगी में कभी वो शाम आए, जिस मिट्टी से जन्म उसके भी कभी काम आए। हर शाम को यही दुआ है रब से, देश के लिए खुद को कुर्बान करके काश शहीदों में मेरा भी नाम आए। मेरे मुआज़्ज़ज़ साथीसा इकराम, मेरी तकरीर सुनने के लिए बाहर से आए हुए मेहमान हसूसी और इस महफिल के चार चराग मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज 26 जनवरी यूनियन जमहूरिया है। मुझे जिस मौजू पर लफ्ज़-ओ-शाई करने का शर्फ हासिल हुआ है वो है शहीद की मौत उनकी हया। मैं मर जाऊंगा तो मेरी अलग पहचान लिख देना, मैं मर जाऊंगा तो मेरी अलग पहचान लिख देना, लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। इब्तदा है मेरी रब्बे जलील के नाम से, इब्तदा है मेरी रब्बे जलील के नाम से, जो मेरी शोहरत से भी ज्यादा करीब है। ये सूरज के सितारों का जवाब कोई नहीं देगा, समी कोई तो तुमको अमा कोई नहीं देगा। बदर मिट गया तो तुम भी मिट जाओगे ना जानो, इसी को जिंदगी समझो, इसी को जिंदगी मानो। सदर आरिफ मरतब, जब मैं अपनी तारीख का मतलब करती हूँ तो खुद को कई बरस पीछे महसूस करके देखती हूँ कि आज वो यकीन की तस्वीर शहीदों के लहू से लिखी गई तहरीर मेरे हिंदुस्तान लहू लुहान जब जुल्म और जबर के शिकंजों को तोड़ कर दुनिया के नक्शे पे उभरता है तो दुश्मन चल कर कहता है चंद नौवा साल से ज्यादा जब न पाएगा दुनिया के नक्शे से भारत गायब हो जाएगा। और जब फिर बात आती है मुल्क की नियत और हिफाजत की तो हम इंसानियत के सितार बने, दुश्मन के लिए एक लिलकार बने। हमारी आवाज आज सहर में शीशा फलाई बन कर खड़ी है और दुश्मन को ये पैगाम देती है कि हम हुक्म है जो जर से जबर मिटाते हैं, हम दुश्मन को मार लगाते हैं, हम मौत को आंखें दिखाते हैं, हम तीर से दम घबराते हैं, हम तोप से भी लड़ जाते हैं। आजादी की जंग है